हम आए हैं रॉयल एनफील्ड के शोरूम में। क्या हालचाल, हेलो एंड वेलकम टू न्यू व्लॉग। एक नए व्लॉग में आपका वेलकम करते हैं। और अभी आप देख रहे हो मैं हूँ बाहर और हम जा रहे हैं कुछ काम से, कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपसे शेयर करेंगे और मेरे साथ कुछ लोग होंगे उनसे भी आपको मिलवाऊंगा। तो फिलहाल आज के इस व्लॉग को हम इंजॉय करते हैं और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे आज बढ़िया सी। चलिए कंटिन्यू करते हैं। रोनाल्ड आया है आज और रोनाल्ड अपने बाइक पे है। हम तीनों जाएंगे, मेरे साथ अभिषेक भी है उधर, तो हम तीनों जा रहे हैं। अभी कहाँ जा रहे हैं अभी आपको वहीं दिखाएंगे। रॉयल एनफील्ड के शोरूम में और मेरा कुछ मन था थोड़ा कुछ बुलेट के कुछ मॉडल्स का कोटेशन वगैरह लेने का, तो एक बार चलते हैं और देखते हैं भाई क्या सीन है। ये है रॉयल एनफील्ड हंटर जो कि काफ़ी अच्छी लगी, मैंने इसको चलाया और इसमें अभी तीन कलर हैं इनके पास, वाइट, ये ब्लैक है और ये ग्रे है। गोरिल्ला 450 cc का इंजन है भाई इसका, वाओ मस्त लग रही है। ये सारे कलर ऑप्शन हैं भाई अभी इसमें, कौन कौन से हैं, एक ये येलो में है एंड ये है स्मोक कलर है, ये कौन सा है, ब्लैक 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 ओके, ये स्मोक है एंड ये वाओ। लेकिन जो वो लगा है वो सबसे सही वही लग रहा है वैसे। और यहाँ पर लगे हैं ये अपने क्लासिक के वेरिएंट्स 350। ये कलर तो भाई कुछ अलग ही फील देता है। और ये है ब्लैक और यहाँ देखो रोनाल्ड ले रहा है फील बाइक का पूरा। कैसा लग रहा है भाई, कैसी लगी ये बाइक, कैसी लगी वैसे? ये क्लासिक है ना, रेगुलर बाइक है सभी को, लेकिन ये जो लॉन्च है ब्यूटी। हाँ करेला करूँगा अभी, तो हमें खुद नहीं पता है कि ये बाइक कितने की और क्या है। थैंक यू। लेकिन इसकी टेस्ट ड्राइव लेने के बाद भैया आपको अपडेट डाल देंगे, पता लग जाएगा कि इसका क्या है फीडबैक ये हंटर के बारे में। पहले हमने गोरिल्ला के देखे थे कलर, अभी हंटर के कौन सा कलर है, ब्लू रेबल ब्लू, ये रेबल ब्लैक है, भी अच्छा लग रहा है। क्या बढ़िया ऑप्शन है ना, आप डिजिटली सब कुछ देख सकते हो। बट वी आर नॉट रेबल ब्रदर। ओके, और तीसरा कौन सा है, डैपर ग्रे, भाई बाहर देख, इसमें डैपर है भाई, बढ़िया लग रहा है डैपर ग्रे। हां वही तो बता रहा था मैं, बहुत सही लगता है। ये ऑरेंज न्यू कलर आया है, अच्छा ये भी नया आया है ना, नया कलर लॉन्च हुआ है ये, अभी ये ग्रीन ऑरेंज है, डैपर ग्रे ग्रीन है ना, ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है। लेकिन हां यार वो जो है ना वो कलर ग्रे वाला, वो एक अलग ही फील है उसका। ये यहाँ पर हम लोग आए थे बाइक देखने के लिए, लेकिन ये देखिए मौसम के हिसाब से बारिश हो गई है और हमारे भाई लोग भी बैठे हुए, अभी हम जाने की तैयारी में थे बट क्या कर सकते हैं, अब हम वेट करना पड़ेगा हमें थोड़ा सा यहाँ पर, कोई नहीं। और ये एस सीरीज सेक्शन है यहाँ पर और हमारे कासगंज में ये शोरूम खुला है सिटीज़ में, और उसके हिसाब से आप ये एसेसरीज भी ले सकते हैं। ये देखिए टी शर्ट्स हैं, ये बाइकर जैकेट्स हैं, आपकी हेलमेट्स वगैरह लगे हुए हैं और भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पर, लाइक टी शर्ट्स एंड ऑल। ये देखिए मॉइस्चर्स, छोटे छोटे मॉइस्चर्स हैं, ग्लव्स, सॉक्स, हेलमेट्स, हेलमेट सेक्शन है यहाँ पर, ये
और आपके टी शर्ट्स वगैरह भी आप अलग से बाय कर सकते हैं. एंड दिस इज़ द शूज़ सेक्शन हेयर, सो यू कैन सी द. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना. ओके, विच इज़ वेरी गुड. और भाई हम आए थे सूखे हुए में और अभी देखो बारिश हो गई, बाहर पूरा मौसम ही चेंज हो गया. One hour later. और अभी हम शोरूम से होके आ गए हैं और अभी है मेरा और एली का रूममेट टाइम. तो हम लोग मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, साथ में राइड कर रहे हैं, है ना एली? Later that same evening. तो गाइस अभी है शाम का टाइम और आज है एक स्पेशल फंक्शन जिसमें हम लोग जा रहे हैं एक प्रोग्राम में. तो अभी वहाँ का भी ग्लिम्स आपसे शेयर करेंगे. मैं हो चुका हूँ रेडी, एक्चुअल मैं आज शाम को जिम गया था तो अभी रेडी हो गया हूँ और अभी हम यहाँ से निकलेंगे सारे लोग. तो आपसे मिलते हैं अभी थोड़ी देर में. We'll go through the wastelands, through the highways. आ चुके हैं सारे लोग, हम लोग जो साथ में आए हैं, तो एंटर करते हैं. पर हम सारे आ चुके हैं, है डिनर का प्रोग्राम और ये हैं हमारी चाची जिनका बर्थडे है, तो बर्थडे गर्ल यहाँ पर बैठी हुई हैं. एली का रिएक्शन जो है वो देखते ही बनता है. वो क्या देख रही है? वो देख रही है ये छोटे छोटे फिशेस जो है ना, ये बेबी शार्क वाला कार्टून देखती है. और एली देख रही है, एक्सपीरियंस कर रही है फिशेस को. इसने अभी तक टीवी में देखा है ना, तो फर्स्ट टाइम ये लाइव देख रही है. तो सरप्राइज भी हो रही बीच बीच में. ये देखो एली की बातचीत चल रही है फिश से. ओए कितने एक्साइटेड है, कितने एक्साइटेड है. वाह. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Chachi. Happy birthday to you. Next day. So guys, कल हम लोग डिनर करके आ गए थे और डिनर बहुत ही टेस्टी था, खाना बहुत ही अच्छा था. शूट ज़्यादा इसलिए नहीं किया क्योंकि बाकी सारे फिर बातें करने में और सारी चीज़ों में हम बिजी हो गए थे, क्योंकि सिर्फ ब्लॉग ही करते रहते तो यार थोड़ा सा एक जो क्वालिटी टाइम साथ में स्पेंड करना चाहिए वो नहीं कर पाते ना. तो इसलिए हम लोगों ने थोड़ा समय साथ में बिताया और गप्पे शप्पे मारी और अच्छे से खाना पीना खा करके फिर हम रात को घर वापस आ गए थे. सो आज है नेक्स्ट डे एंड फिलहाल इस ब्लॉग को हम करते हैं एंड. आई होप आपको ये ब्लॉग ज़रूर अच्छा लगा होगा. और मैंने जो इन्फॉर्मेशन आपको शेयर की उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ. जो गरेला बाइक है उसका जस्ट अभी वो वेरिएंट आया ही था और अभी टेस्ट ड्राइव के लिए वो बाइक अवेलेबल नहीं थी, तो हमने कोई टेस्ट ड्राइव नहीं लिया. और हंटर मैं ऑलरेडी ड्राइव कर चुका हूँ, तो हंटर मुझे बहुत अच्छी बाइक लगती है. और गरेला की जो ऑलमोस्ट कॉस्टिंग है, जो ऑन रोड प्राइस है उसका, वो 330 के समथिंग और उससे अबव में जा सकता है. वो यहाँ पर कासगंज का प्राइस है. और जो हंटर है, हंटर का प्राइस ऑलमोस्ट 220-230 के आसपास है उसका जो टॉप वेरिएंट पड़ता है. तो इस तरीके से कुछ डिटेल्स हैं. बाकी जब कभी अगर हम वहाँ पर बाइक कलेक्ट करने जाएंगे तो आपसे पूरा वीडियो शेयर करेंगे. अभी फिलहाल कोई प्लान नहीं है लेने, जस्ट ऐसे ही विजिट करने गए थे और पता करने गए थे. तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दीजिएगा, चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा. चलिए मिलते हैं आप लोगों से अपने अगले वीडियो में. चलते हैं, बाय. Now I don't